हे गाइस, मैं राजू और आप देख रहे हो टेक्निकल एचआरटी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया पोस्ट का कुरियर चार्जेस, इनलैंड यानी डोमेस्टिक कुरियर चार्जेस। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं इंडिया पोस्ट का यानी स्पीड पोस्ट कहो या ऑर्डिनरी पोस्ट, इंडिया पोस्ट का कुरियर चार्जेस क्या है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम में आ गया हूँ और यहाँ पर एक न्यू पेज को ओपन करना है आपको और यहाँ पर सर्च करना है इनलैंड कुरियर चार्जेस इंडिया पोस्ट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, इनलैंड कुरियर चार्जेस इंडिया पोस्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद नीचे एक वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए www.indianphilately.net। तो इसमें आपको क्लिक करना है। ओके, सबसे पहले ये वेबसाइट आ जाएगा। तो जब आप इस वेबसाइट में क्लिक करते हो तब आपके सामने जो इनलैंड कुरियर चार्जेस है अभी का वो शो हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कैसे देखना है, सबसे पहले वेट, कितना वेट है आपका वो देखना है। उसके बाद लोकल में कितना, अप टू 200 किलोमीटर कितना, उसके बाद 200 से 1000 किलोमीटर तक कितना, 1000 से 2000 किलोमीटर तक कितना, और 2000 के ऊपर जितना भी किलोमीटर है उसका कितना रुपया चार्ज लगेगा, यहाँ पे सारा आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इंडिया पोस्ट का जो कुरियर चार्जेस है वो जान चुके हैं, या आप कह लो इंडिया पोस्ट का कुरियर चार्ज कैसे चेक करते हैं वो भी जान चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ही कम है अभी और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आते। मैं इतना मतलब क्रिएटिव कह लो आप और इन्फॉर्मेटिव कह लो वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा वीडियो में मतलब उतना ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं देता है। तो दोस्तों, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को देखिए। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए अभी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम।